असल स्टूडेंट्स जब भी कैफ़ या सी फैफ़ का रिजल्ट आता है तो नॉर्मली एक रिवायत है कि गोल्ड मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट्स आ रहे होते हैं और मेरी खुशकस्मती रही है कि जिन लोगों के गोल्ड मेडल मेरिट सर्टिफिकेट आते हैं उनके साथ एक सेशन करने का मुझे एक मौका मिल जाता है और मजे की बात है जब भी मैं सेशन करता हूँ तो सेशन के बाद नॉर्मली टीचर्स वगैरह से दो डिस्कस करता हूँ यार क्या जीनी स्टूडेंट था लेकिन हर अटैम्प में अगली अटैम्प में इससे ज़्यादा कोई ब्राइटेस्ट स्टूडेंट या जीनीस स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट जो कि इसकी ज़्यादा अचीवमें होती है मेरे साथ मौजूद है शाजिया पांच पेपर दिए हैं फाइनल के पांचों पेपर पहले अटैम्प में पास किए पहले एक साल में जो हमारे पास क्राइटेरिया होता है कि एक साल में आपने पेपर देने होते हैं पांच पेपर सी फैप के जिसमें तीन पेपर्स में एफ एफ आर बी एफ डी और एडवांस ऑडिट में गोल्ड मेडल है तो शाजिया मतलब इतनी जबरदस्त अचीवमेंट पांच पेपर पास करना इट्स सेल्फ एक बड़ा ही आ, एक चैलेंजिंग टास्क होता है और साइकोलॉजिकली बड़ा मुश्किल होता है कि आपने पांच पेपर देने हैं आई कैप ने पहले डेढ़ साल बाद अटैम्प रखा था तो उस जब डेढ़ साल वाला क्राइटेरिया था उस वक्त भी लोग नॉर्मली आप पाँचवे पर नहीं दे रहे होते तो चार के सोचते थे फिर आते आते दो पे आ जाते थे आ, लेकिन माशाल्लाह आपने एक साल के अंदर पाँच रेपर थी और तीन में गोल्ड मेडल लिए और जो मेरे इनसे डिस्कशन हो रही थी तो इनके कैश में भी मेरिट और गोल्ड मेडल्स हैं और इंटर में भी कॉमर्स में इनकी फर्स्ट पोजिशन है तो आई मीन शी इज़ अ बॉन्ड टू बी गोल्ड मेडल स्टार्ट अकाउंटेंट माशा तो शायदिया मतलब आ, देखें uh, किस तरीके से आपने एक ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है क्या स्ट्रेटेजी थी पीछे क्या एक प्लान था क्या सोचा हुआ था क्या सपोर्ट सिस्टम था वो सा, का सारा शेयर करें मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मुझे स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है मतलब कोई एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन मैं क्लासेस ना लूँ आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन तो मैं सुबह छः अच्छा. बजे उठ जाती हूँ और जो सुबह का टाइम होता तो है वो बहुत फ्रेश होता है बहुत फ्रेश होता है कोई टेंशन नहीं होती उस वक्त कोई डिस्टर्बेंस तो, नहीं होती कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती तो उस वक्त आप सुकून से पढ़ाई कर सकते हैं Yes, तो मेरा yes. ये रूटीन था कि रात में जितना लेट हो जाए काम करके जितना लेट कर आ रहे हो सुबह छह बजे उठ जाओ और सुबह दो ढाई घंटे की क्लासेस मैं ले ही लेती थी लेक्चर्स ऑनलाइन जो होते थे ले थे लेती ले थी उससे ये होता है कि फिर आपके टाइमली लेक्चर्स मेरे ले साथ साथ कवर हो जाते थे और एक अच्छा टाइम हो जाता है बाद में फिर प्रैक्टिस और रिविजन के लिए जबरदस्त जबरदस्त ये एक स्ट्रैटेजी थी दूसरी ये कि जब जिस तरह मैं जब ऑडिट में भी थी तो बहुत बिजी शेड्यूल्स होते हैं लेट सेटिंग्स बहुत होती हैं तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में कुछ महीनों में पढ़ाई का टाइम बहुत कम मिलता है yes. बट उसमें भी यह है कि कोई ना कोई क्लास ले लो एक घंटे की भले हम ले लें सुबह hmm, कुछ hmm. ना कुछ पढ़ाई चलती रहे और फिर जब थोड़ा सा फ्री टाइम होता है जब हमारे शेड्यूल्स कम हो जाते हैं रिपोर्टिंग हो गई उसके बाद फिर जो टाइम मिलता है उसमें फिर पढ़ाई का पेस बढ़ा दो ज़्यादा क्लासेस ले लो भले आप पाँच छः घंटे साथ में आप पढ़ रहे हो तो वो बैलेंस मेंटेन करना होता है काम का टाइम काम को प्रेफरेंस दे दो फिर जब फ्री टाइम मिले पढ़ाई करनी है तो फिर उस टाइम अच्छे से लग के बस पढ़ाई करनी है देखिए ये ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे अच्छा शाह मजे की बात ही, आ, है जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह आते हैं तो नॉर्मली जब मैं उनसे डिस्कशन कर रहा होता हूँ Uh, तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है और यही फैक्टर कॉमन है कि जी सर रोज का रोज पढ़ लेते थे आधा घंटा भी मिलता था तो एक आधे घंटे की क्लास या आधे घंटे का लेक्चर अटैम्प कर लेते थे ये नहीं सोचते थे कि यार 200 घंटे के लेक्चर्स कैसे कंप्लीट होंगे 150 घंटे कैसे कंप्लीट होंगे आधा घंटा भी मिला है तो आधा घंटा तो वो सिस्टमेटिक वे में या डिसप्लिन वे में जब बच्चा पढ़ता है और रोज का पढ़ रहा होता है देखिए एक चीज़ सौ घंटे की तो आज सौ घंटे की चीज़ अगर आपने दो महीने में ओवर दू मंथ्स कवर कर ली ज़्यादा अच्छी बात है उस सौ घंटे को अगर पेपर से दो महीने पहले अगर आप कवर कर रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा फ़ायदा नहीं है बिकॉज अब एक साल दिया है एग्जामिनर ने आई कैप ने कि एक साल में आपको कवर करना है तो अगर आप प्रॉपर टाइम देंगे तो उससे चीज़ें कवर हो जाती है सेकेंड चीज़ शाजिया आ, पांच पेपर का माइंड पहले से ही था नहीं पहले से नहीं था स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैं तीन पेपर्स दूंगी अकाउंट्स बीएफडी एंड ऑडिट

फिर वो पॉइंट था कि मैंने सोचा कि मैं मेरे पास अच्छा खासा टाइम है hmm, hmm. कि मैं ऑर्डर पढ़ने के बाद मैं और भी कोई पेपर उठा सकती हूँ yes, फिर okay. मैंने एक दो okay. दिन सोचा मैंने बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस थोड़ा सा देखी कि, कि कितने घंटे का कोर्स है कोर्स मटेरियल क्या है yes, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं और दो और एडिशनल पेपर मतलब तो टोटल तो पाँच तो पेपर्स तो मैं दे सकती हूँ तो इट वॉज़ इन फर्स्ट वीक ऑफ मे जब मैंने चीज़ डिसाइड की कि आप पाँच पेपर्स देना है बट मैंने एक चीज सोची थी कि मैं तीनों एक साथ स्टार्ट नहीं करूँगी yes. ऐसा ना हो कि मैं तीनों एक साथ स्टार्ट करूं और फिर सबका कुछ ना कुछ रह जाए और hmm. एंड में बहुत प्रेशर डेवलप टाइम yes. तो किया पहले मैंने स्टार्ट किया, की की। फिर मैंने एस स्टार्ट करके कंप्लीट किया और फिर मैंने टैक्स स्टार्ट किया था बेस्ट बेस्ट तो आ, अच्छा आ, ये, ये चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट आपने पांच सब्जेक्ट को बारह महीने Uh, तो एक महीना डेढ़ महीने में, में इस सब्जेक्ट पे फोकस करना है और इस सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट करनी है तो तो माइंड सेट रखा देन पोर्टल में पांच पांच सब्जेक्ट आ रहे हो बंदे को टेंशन हो है और यहां भी लेक्चर अपलोड हो रहे है। तो एक वक्त में एक सब्जेक्ट फोकस किया जबरदस्त जबरदस्त सेकेंड चीज तीन से पांच पेपर वाला जो इस बड़ा मुझे वही अगेन नहीं करते तो उसमें मतलब क्या किसी ने कोई डिस्कशन वगैरह की क्या कुछ आ, के यार कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए कौन से सब्जेक्ट नहीं लेने चाहिए पाँच की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए कुछ एक था या फिर बस आ, एक डिसाइड कर लिया क्या, हाँ जी मैंने ज्यादा लोगों से डिस्कशन में की थी क्योंकि एक होता है कि अगर मैं किसी को बोलूंगी कि मैं तीन से पाँच पुझा रही हूँ तो इतना अच्छा फीडबैक सामने से पता नहीं मिले ना मिले डी मोटिवेशन भी हो सकती है इसलिए मैंने सिर्फ अपने पेरेंट्स को बताया था कि मैं ये चीज़ सोच रही मैंने उनसे डिस्कस किया था और फिर मैंने उतरा एक दफा सोच लिया तो आप कर लेना और नाम उसके बाद मैंने किसी और को बताया भी नहीं था ये बात कि मैं पांच पर दे रही हूँ सबको सब सब पता चला था जब मैंने पांच पर दे दिया जबरदस्त जबरदस्त उसके बाद मैंने सबको यार ये ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है तीन से पाँच पे जो गई ये पेपर्स पे तो इन्होंने किसी से मशवरा नहीं दिया किसी से पूछा नहीं इन्होंने पहले अपने आप को असेस किया कि जी क्या मैं तीन से पाँच पेपर में आ, तीन से पाँच पेपर दे सकती हूँ नहीं दे सकती वो असेसमेंट करी जब उन्होंने असेसमेंट करी यस यार मैं कर सकती हूँ तो फिर उसको एग्जीक्यूट किया और फिर एक प्लान बना गया जी ठीक है दो महीने मॉडिट का एक लेक्चर कंप्लीट करना है फिर दो महीने में टैक्स के फिर एक महीने में एस में और आखिर के कि दो ढाई महीने की जो छुट्टियाँ होंगी उसमें फिर एक प्रॉपर रिविजन होगा एक और बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट एक साल में पेपर है एक साल में पाँच सब्जेक्ट की क्लासेस भी लेनी है माशा फर्गेसन में है तो मेरी जो बात हुई थी इनसे तो बैंक फाइनलाइज कर रही है तो मैंने के साथ नेशनल बैंक फाइनलाइज किया एज अ जॉइंट ऑडिटर तो मुझे पता है कि कितनी रातें लगती हैं उसमें तो लेकिन उसके बावजूद एक प्लानिंग के साथ अगर आप चलेंगे और स्ट्रक्चर पर भी चलेंगे तो uh, चीज़ें अचीव हो जाएंगी uh, शाह एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑडिट uh, फॉर्म और पाँच पेपर इसको कैसे मैनेज किया मैनेज करने की एक स्ट्रैटी जो मैंने स्टार्ट में भी बताई कि आपको देखना पड़ता है कि किस टाइम क्या चीज़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है हुँ हुँ जब आपके इनिशियल्स करियर रिपोर्टिंग चल रही है वो एक महीना है आप नहीं पढ़ सकते लेकिन इनिशियल्स हो गए डॉक्यूमेंटेशन अब आप कर रहे हैं ताकि बस टाइम में आप पढ़ सकते हैं जरूरी होता और है ना और थोड़ा, थोड़ा। और तो गैप के बाद वापस पढ़ना और ज्यादा मुश्किल होता है सही सही गैप so नहीं आने देना बस ये एक स्ट्रेटेजी होती है शादी जो टीम वगैरह होती है ना लाइक आप बैंक करते सकते मुझे याद है नेशनल बैंक ऑडिट कर रहे थे तो हमारी साइड से कोई बीस तीस लोग और फर्गसन की साइड से बीस पच्चीस तो एक बड़ी टीम होती है जब आप बैंक ऑडिट करते हो सही है आ, तो आप जब एक इतनी बड़ी टीम का पार्ट थी जिसमें एक बंदा गें जो आप कह रहे थे लीजेस देख रहा था एक बंदा एडवास देख रहा होगा एक बंदा इन्वेस्टमेंट देख रहा होगा तो वो टीम सपोर्ट क्या थी कई क्या, क्या वो एक ऐसा फैक्टर था जिससे आपको लगा कि हाँ यार वो भी एक एक अचीवमेंट है या फिर उनका एक सपोर्ट था जिसकी वजह से शायद मैंने कर लिया मेरी टीम का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था क्योंकि मेरी टीम के जो सीनियर्स थे वो मुझे हमेशा इंक्रेज करते थे कि शाह पढ़ाई करनी है कितनी hmm. पढ़ाई कर ली पढ़ाई कर रही है और नहीं कर ली hmm. तो वो एक इंकरेजमेंट बहुत ज्यादा था और उनका कॉन्फिडेंस शायद जितना मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था उतना मेरे पेरेंट्स को और मेरी टीम को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था जबर्दस। क्योंकि आई थिंक जब हमारा अभी रिजल्ट भी आया था उन्होंने पहले अपना रिजल्ट देखा था और फिर सेकंड चीज़ जो उन्होंने देखी थी वो गोल्ड मेडल्स की लिस्ट थी क्योंकि hmm. उन्हें कॉन्फिडेंस था कि शादा का आया होगा तो वो जब आप देखते हैं आपके सराउंडिंग पीपल इतना पॉजिटिव बिहेवियर दे देना आपके ऊपर तो आपकी भी एक एनर्जी बढ़ जाती है डालने की और तो का तो कल्चर हमने सुना था सीनियर पढ़ने नहीं देते काम नहीं करने देते और बिलाओ जमे देर तक बैठाते रहते हैं आपके सीनियर अच्छे थे सीनियर कल्चर चेंज हो रहा है जबरदस्त जबरदस्त आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ शाजिया की अगर हमारे पास आपने कैफ में अकाउंटिंग एमएफए कॉस्टिंग ऑडिट ये सब्जेक्ट पढ़े बैठे फिर उसके बाद आप फॉर्म में गई माशाल्लाह, फर्गसन में गई फर्गसन में गई तो टेक्निकली फाइनल में यही सब्जेक्ट के एडवांस लेवल है एडवांस ऑडिटिंग है एडवांस अकाउंटिंग है एडवांस टैक्सेशन है तो क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ कैफ में और फाइनल के सब्जेक्ट में लाइक फॉर एग्जाम्पल नीचे ऑडिट पढ़ा और ऊपर ऑडिट पढ़ रहे हैं नीचे टैक्स पढ़ा हुआ है ऊपर टैक्स पढ़ रहा है नीचे अकाउंटिंग पढ़ी ऊपर तो मतलब क्या एक आपको आ, बड़ा फर्क है दूसरा सवाल इसमें ये होगा कि जो फर्म में आप काम कर रही हैं बैंक वगैरह फाइनलाइज करवा रही हैं एक बड़ी टीम होती है सीनियर्स होते हैं मैनेजर्स होते हैं उनके साथ बैठते हैं डिस्कशन करते हैं वो चीज़ आपको कितना हेल्प करती है फाइनल की चीज़ों में बिकॉज जब आप एक प्रोफेशन के साथ बैठे होते हैं तो झारह सी बात एक प्रोफेशनल डिस्कशन चल रही होती है वो चीज़ें किस तरीके से आपको हेल्प कर रही थी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है क्योंकि जब हम कैफ में पढ़ रहे होते हैं आपको सिर्फ बुक इच्छ नॉलेज होती है थोड़े बहुत टीचर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बट इतना आप प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन को देख नहीं सकते बट फाइनल में जब मैंने एफ पढ़ लिया था उसके बाद जब मैं पढ़ भी रही थी साथ में, में टीम डिस्कशन चल रहे हैं जिस तरह मैंने लीजेस पढ़ रही थी अब वो जो बंदा लीजेस का पोर्शन कर रहा है वो जब डिस्कशन रहा है तो मुझे वो चीजें नजर आ रही है प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल प्रैक्टिकलीशन देखी तो पढ़ने में और ज्यादा मजा आ रहा था अब ऑर्डर भी जब मैंने ऑडिट पढ़ना शुरू किया तो मैं पढ़ रही थी जो प्रोसीजर्स फिर मुझे याद आ रहा है कि हाँ हम ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करते थे तो हम hmm. इसलिए करते थे उसका ये पर्पज था लॉजिक समझ तो आ रही है लॉजिक समझ आती है और लिंक करना और इजी हो जाता है और पढ़ने में मजा आना शुरू हो जाता है यस 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 तो ये देखिए ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप जब आप लाइक फर्म वगैरह में होते हैं तो बहुत सा ऐसा होता है कि कोई इशू आ गया कंसोल्व हो रही है Uh, और कोई टेक्निकल इशू डिस्कशन चल रही है कोई अकाउंटिंग इशू डिस्कशन चल रही है तो उसमें मैनेजर पार्टनर डायरेक्टर नॉर्मली टीम के साथ बैठ रहे होते हैं डिस्कशन कर रहे होते हैं तो जो कैफ की नॉलेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है फाइनल में अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेक्चर टैमली बेसिस पे ले रहे हैं तो उस डिस्कशन पर आप एक अच्छा इनपुट दे सकेंगे इनपुट ना भी दे सकें तो एटलीस्ट आप सीख सकेंगे यार चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा है नहीं है कि किताबें पढ़ के गोल्ड मेडल आ जाएगा काम भी करना है काम भी सीखना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जितना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस आप देंगे सिर्फ काम पे रह जाएं, पढ़ाई छोड़ते हैं। और सिर्फ, सिर्फ पढ़ाई दें दोनों को साथ साथ बैलेंस करके चलना है आ, बड़ा कोई हम जैसे बच्चों को, कि किस तरीके से पेपर पास करें गोल्ड मेडल लेकर एक एडवाइस तो ये आपने पढ़ना है पहले कुछ दिन आप नहीं पढ़ें ऐसे दिन आएंगे जब आप बोलेंगे बट थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ते रहें दूसरी एडवाइस ये है कि फर्म में आपके अराउंड बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बहुत सारी एडवाइसेस देंगे hmm. हर एडवाइस जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर एप्लीकेबल हो और होता है कि हम सबकी बातें सुन सुन के फिर कुछ अलग ही करना शुरू हो जाता है अपने, अपने आप को असेस कि हमारा क्या पोटेंशियल सब है सबसे पहले अपने आप को असेस करें कि आपका क्या पोटेंशियल है आप क्या कर सकते हैं और फिर आपका खुद का लर्निंग स्टाइल क्या है और फिर आप एक दो लोग देख लें कि हाँ मैं इन दो लोगों से एडवाइस ले सकती हूँ और फिर उनके एडवाइस को आप कंप्लीट करें सर तो अगर मैंने भी पांच पेपर्स लिए थे तो अगर मैं सबसे पूछती तो शायद मुझे एक दो लोग बोलते कि हाँ तुम पांच पेपर दे दो कुछ लोग बोलते नहीं दो कुछ लोग बोलते तुम हैं तो मैं तो तो तीन भी ना दो, दो दे, <laughs> <laughs> तो मैं कभी शायद डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाती तो मेरा ये था कि अपने आप को आप सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप अपने आप को खुद असेस करें और फिर एक दो लोग आपके पास ऐसा आप देख लें कि जिनसे आप एडवाइस ले सकते हैं और उनसे डिस्कशन करें और ज्यादा कंफ्यूजन में ना पड़े कि मैं क्या करूं किससे पूछूं कहाँ जाऊं जबरदस्त अब जब मैं सी ए कर रहा था तो मेरे मेरे ख्वाब था कि मेरा गोल्ड मेडल आए Uh, तो मैंने एक इकोनॉमिक्स का पेपर ऐसा था जिसमें मैंने सोचा था कि मेरा गोल्ड मेडल आ जाएगा तो मेरा बैड फेलियर आया था उसमें तो उसके बाद गोल्ड मेडल ख्वाब देखना मैंने छोड़ दिया तो मेरा सी में कभी गोल्ड मेडल आया नहीं बट जब माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल आते तो मुझे ऐसा लगता है जिसमें मेरा गोल्ड मेडल है और वही खुशी होती है जिस तरह मेरी क्वालिफिकेशन की खुशी थी तो थैंक यू सो मच शाजिया और इसी तरीके से नेक्स्ट uh, अटैम्प में इनशाला आप क्वालीफाई कर जाएंगे तो दो अटैम्प में सी के छे पर्चे और एमएसए के दो पर्चे और प्लानिंग बड़ी जबरदस्त कर देखिए एमएसए वन भी अनलॉक हो जाए और एमएसए टू भी अनलॉक हो जाए तो वो प्लानिंग आपकी बड़ी जबरदस्त है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर और इनशाला मुलाकात रहेगी थैंक यू सो मच थैंक यू